एक नए दिन एक नई वीडियो के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है इसी चैनल पर, जहां आपको मिलता है कमाल का नॉलेज, हर एक इन्फॉर्मेशन और एकदम हैरान कर देने वाले फैक्ट्स। तो बिना देरी किए आप कीजिए इस चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब और मैं शुरू करता हूं इस वीडियो को। फर्ज करो कि आप घर का कोई कमरा खोलते हो जो कि काफी टाइम से बंद हो, तो आपका सामना होगा काफी सारी गंदगी और बहुत सारे मकड़ी के जालों से। पर क्या आप जानते हो कि ये जाले असल में मकड़ियों के घर नहीं होते, वो तो सिर्फ इनको इसलिए बनाते हैं ताकि मक्खियाँ, मच्छर और छोटे छोटे कीड़े इसमें फंसें और स्पाइडर्स के खाने का इंतजाम हो पाए। ये स्पाइडर वेब्स काफ़ी बड़े भी हो सकते हैं, कुछ जगहों पर तो ये जाले 18 फीट से भी ज़्यादा बड़े पाए गए थे। बटरफ्लाइज यानी कि तितलियाँ किसको नहीं पसंद होंगी, ये तो किसी भी जगह की खूबसूरती और सुंदरता की पहचान बन ही जाती हैं, क्योंकि किसी भी जगह जब प्यारे प्यारे फूल लगे होते हैं तो इनका आना तो तय ही होता है। पर क्या आपको पता है कि तितलियां तभी उड़ सकती हैं जब इनका बॉडी टेम्परेचर 86 डिग्री से ज़्यादा हो, मतलब अगर किसी बटरफ्लाई का टेम्परेचर 86 डिग्री से कम हो तो वो बिल्कुल भी नहीं उड़ सकती। बारिशों के मौसम में आपने देखा होगा कि बहुत सारी ड्रैगन फ्लाइज आसमान में उड़ने लगती हैं, पर क्या आप जानते हो कि ये ड्रैगन फ्लाइज लगभग 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकती हैं। इनकी ये स्किल इनको फास्टेस्ट इंसेक्ट्स में से एक बनाती है, मतलब कि सबसे तेज कीड़ों में से एक। इनका इतनी जल्दी में होना ठीक भी है, क्योंकि ये सिर्फ 24 घंटे ही जी पाती हैं, मतलब इनकी पूरी जिंदगी सिर्फ 24 घंटे की ही होती है। ये तो हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं कि हार्ट यानी हमारा दिल ब्लड को पंप करता है और इसी वजह से हमारे बॉडी में ब्लड सर्कुलेशन बना रहता है। पर शायद ही आपको पता होगा कि हमारा ब्रेन भी हर मिनट में 750 ml ब्लड को पंप करता है, मतलब कि हार्ट के अलावा ब्रेन से भी ब्लड पंप होता है। ब्रेन से पंप हुए ब्लड में उतनी स्पीड नहीं होती जितनी हार्ट के द्वारा यानी दिल के द्वारा पंप किए हुए ब्लड में होती है, लेकिन ब्रेन से भी 750 ml ब्लड हर मिनट में पंप होता है। हर इंसान अपने आप को स्मार्ट और इंटेलिजेंट ही समझता है, और समझना भी चाहिए, क्योंकि खुद को जीरो समझने से सिर्फ डिप्रेशन ही मिलता है। पर कई साइंटिफिक रिसर्चेस में यह पाया गया है कि जो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनके बालों में ज़्यादा जिंक और कॉपर होता है, मतलब जिंक और कॉपर तो हर इंसान के बालों में होता है, पर जो लोग ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं उनके बाल में जिंक और कॉपर ज़्यादा होता है, मतलब इनकी मात्रा उनके बालों में बहुत ज़्यादा होती है, ऐसा कई साइंटिस्टों का मानना है। क्या आपने अभी ये वीडियो देखते हुए हेडफोन्स या ईयरफोन लीड्स लगाए हैं? अगर लगाए हैं तो फटाफट से निकाल दीजिए, क्योंकि सिर्फ एक घंटे के लिए हेडफोन्स या ईयरफोन लीड्स लगाने से कान में बैक्टीरिया की मात्रा 700 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, मतलब अगर आप बस एक घंटे के लिए भी हेडफोन्स या लीड्स लगाते हो तो आपके कान में बैक्टीरिया की मात्रा 700 गुना तक बढ़ जाती है। स्पाइडरमैन की मूवीज देखकर कुछ लोग ज़बरदस्ती खुद को स्पाइडर्स यानी मकड़ियों से कटवाने लगे थे ताकि उनमें भी स्पाइडरमैन जैसे पावर्स आ जाएं। पावर्स तो आए नहीं, लेकिन हाँ उन्हें कई तरह की बीमारियां और पूरे शरीर पर फोड़े और फुंसियां हो आईं। पर आप ऐसी बेवकूफ़ी कभी मत करना, अगर कोई स्पाइडर दिख जाए तो या तो खुद भाग जाना या उसको भगा देना, क्योंकि कुछ स्पाइडर जहरीले भी होते हैं और इन्हीं में से एक ब्लैक वीडो नाम की मकड़ी होती है जिसका जहर एक सांप के जहर से भी ज़्यादा खतरनाक होता है, मतलब कि एक छोटी सी मकड़ी का जहर इस बड़े सांप के जहर से भी ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। आप ये फोटो देखिए, आई नो आप लोग यही सोच रहे होंगे कि इस मछली की आंखें कहाँ गईं। तो फ्रेंड्स, इसकी आंखें कहीं गई नहीं, बल्कि इन मछलियों की आंखें होती ही नहीं, क्योंकि ये मछलियाँ समंदर के बिल्कुल नीचे गहराई में होती हैं और वहाँ सनलाइट ना होने की वजह से बिल्कुल भी रोशनी नहीं होती और वहाँ हमेशा अंधेरा रहता है। दैट्स वाई इन मछलियों की आंखें नहीं होती, बिकॉज इन्हें उनकी ज़रूरत ही नहीं होती। अब सवाल ये है कि इनको फिर दिखाई कैसे देता है और ये अपना रास्ता कैसे खोजती हैं? तो इसका आंसर है माउथ विजन, मतलब इनमें एक ऐसा मैकेनिज्म होता है जिसकी हेल्प से ये फिश अपने मुँह का इस्तेमाल करके अपना रास्ता खोजती हैं। इस प्रोसेस को माउथ विजन कहते हैं। जब चिड़िया यानी फीमेल बर्ड अंडे देती है तो आपने देखा होगा वो उनके ऊपर बैठकर उनको हैच करती है और फिर उन अंडों में से छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे निकलते हैं।
पर सी हॉर्स यानी समुद्री घोड़े के केस में ये प्रोसेस बिल्कुल ही उल्टा है। यहाँ पर फीमेल सी हॉर्स जब अंडे देती है तो मेल सी हॉर्स उन अंडों को तब तक अपने साथ कैरी करता है जब तक वो हैच नहीं हो जाते और उनमें से बच्चे बाहर नहीं आ जाते। मतलब यहाँ पर फीमेल सी हॉर्स का काम सिर्फ अंडे देना होता है और उसके बाद सारा काम मेल सी हॉर्स का होता है, यानी कि उनका पूरा ख्याल रखना जब तक बच्चे बाहर ना आ जाएं। क्या आप जानते हो कि अगर आप किसी ग्रेप यानी अंगूर को माइक्रोवेव में डालोगे तो वो फूट जाएगा यानी एक्सप्लोड हो जाएगा? और यकीन नहीं आता तो अभी के अभी ट्राई कीजिए और क्या रिएक्शन आया मुझे कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम पे ज़रूर बताइए। ठंड शुरू होते ही मूंगफली एकदम ट्रेंड में आ जाती है और इस मौसम में गर्मा गर्म मूंगफली खाना एक अलग ही फील देता है। पर क्या आपको पता है कि ये मूंगफली भी एक इम्पॉर्टेंट मटेरियल है डायनामाइट बनाने का? मतलब कि इस खतरनाक बॉम्ब को बनाने में, जो कि बड़े बड़े पत्थरों को फोड़ता है, उसमें मूंगफली का भी यूज होता है। क्या आपने कभी सोचा है कि अक्सर कई लोग छींकने के बाद थैंक गॉड क्यों बोलते हैं? या शायद ऐसा भी आपके साथ हुआ हो कि जब आप कभी छींके हो तो किसी ने आपको गॉड ब्लेस यू बोला हो, पर आखिर ऐसा क्यों? तो यार ऐसा इसलिए है क्योंकि जब भी आप छींकते हो यानी स्नीज करते हो तो आपकी धड़कन कुछ मिली सेकंड्स के लिए रुक जाती है, मतलब आपका दिल धड़कना बंद कर देता है। ये सब सिर्फ कुछ मिली सेकंड के लिए होता है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बट अगर ये थोड़े टाइम के लिए और ज़्यादा रहे तो आपका हार्ट फेल भी हो सकता है और इसमें जान का खतरा है। इसीलिए आपको छींकने के बाद थैंक गॉड ज़रूर बोलना चाहिए। कोको कोला को तो आप जानते ही हो, काफ़ी पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक्स में गिना जाता है इसको। और गिना भी क्यों ना जाए, दुनिया में कुछ लोग ही ऐसे होंगे जिन्होंने कभी कोको कोला ना पी हो। और इसका कलर आपको याद तो ज़रूर होगा, कुछ डार्क ब्राउन सा। अब मैं कलर की बात क्यों कर रहा हूँ, वो इसलिए कि काफ़ी टाइम पहले एक मिथ लोगों के मन में था कि कोको कोला ओरिजिनली ग्रीन था। मतलब कुछ लोग पहले ये सोचते थे कि कोको कोला अभी तो ब्राउन है, लेकिन जब ये नया नया बना था, इसकी कंपनी जस्ट शुरू हुई थी, तो ये ग्रीन कलर में आता था और बाद में धीरे धीरे इसको डाई करके ब्राउन कलर का कर दिया गया। लेकिन जब ये गलतफहमी कुछ ज़्यादा ही हो गई तब कोको कोला के ऑफिशियल्स को खुद ऑनलाइन आकर जवाब देना ही पड़ा। कंपनी के कई ऑफिशियल मेंबर्स ने खुद आकर कहा कि कोको कोला कभी से ग्रीन नहीं था, इस सॉफ्ट ड्रिंक का कलर हमेशा से एक ही है। हालांकि इसकी रेसिपी में काफ़ी चेंजेस हुए हैं, पर किसी भी चेंज का असर इसके कलर पर नहीं पड़ा। इसका कलर शुरू में भी वही था, अभी भी वही है और हो सकता है आगे भी ऐसा ही रहे। हर बच्चे की पहली पसंद हमेशा चॉकलेट ही होगी अगर आप किसी भी शॉप में जाओ तो। पर ये भी हम सब जानते हैं कि ये चाहे कितने भी फेवरेट हो, पर इसी की वजह से बच्चों के दांत काफी खराब हो जाते हैं। इसीलिए हर पेरेंट्स अपने बच्चों को चॉकलेट खाने के लिए तो जरूर डांटते हैं, क्योंकि वो उनके लिए डेंजरस होती है, मतलब उनके दांतों के लिए। लेकिन डॉग्स के लिए तो ये चीज़ कुछ ज़्यादा ही डेंजरस है, बिकॉज चॉकलेट में थियोब्रोमाइन नाम का एक ऐसा इंग्रेडिएंट होता है जो डॉग्स यानी कुत्तों के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। चॉकलेट की एक छोटी सी बाइट की वजह से उनको फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। इसीलिए अगर आपके पास कोई कुत्ता या बिल्ली है तो प्लीज़ उनको चॉकलेट मत देना, क्योंकि इसकी वजह से उनको कई तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं और उनकी तबीयत खराब हो सकती है। तो इसी के साथ फैक्ट्स का सिलसिला खत्म हुआ। अगर आपको वीडियो में कुछ भी नया जानने को मिला हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। अगर ऐसा ही कंटेंट बार बार देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कीजिए ताकि आप नई वीडियो सबसे पहले देख सकें। अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनको भी कुछ नया जानने को मिले। कौन सा फैक्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपना ज़रूरी समय मुझे देने के लिए थैंक यू वेरी मच। बाय।